इस नानी जा रही है हमारी, टिकट वगैरह चेक होगा। देखो आर्मी वाले टिकट चेक करते हैं। एक प्लेन तो अभी टेक ऑफ करने वाला है, वो देखो वो चल रहा है भाई। और आप देख सकते हो पहले नंबर पे खड़ा हुआ है विस्तारा। सेंसर लगे पड़े हैं, ऐसे टैप करके आ जाता पानी। पीछे करो हाथ बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, टैप करो ऑन हो जाता है। ये है भाई एयरपोर्ट के वाली अपना वेज क्रिस्पी बर्गर। हेलो जी, राम राम जी, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं भाई दिल्ली एयरपोर्ट रोहित की नानी को छोड़ने के लिए। तो उनकी गाइस दोपहर 4 बजे की फ़्लाइट है। तो अभी मैं रोहित के घर पे ही हूँ भाई, और नाश्ता वगैरह कर लिया था भाई हमने। तो 10 बजे यहाँ से निकलेंगे हम दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। और गाइस मेरे साथ जा रहा है रोहित, और चले पे नहीं तो भी सब्सक्राइब कर देना। 2 hours later पहुँच चुके हैं भाई दिल्ली। और भाई हमने करनाल से ले ली थी कैब, तो कैब वाले ने हमको उतारा बाईपास, तो बाईपास से हमने बस ले ली थी भाई। तो बस वाले ने हमको सामने है कश्मीरी गेट रोड पे उतार देती है बस। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे भाई, यहाँ से ऊपर जाएंगे वहाँ, फिर वहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो एयरपोर्ट के लिए। कश्मीरी गेट से पकड़ेंगे एयरपोर्ट के लिए मेट्रो, तो चलते हैं मेट्रो पे। तो भाई आप देख सकते हो ये रहा भाई कश्मीरी गेट। तो भाई कश्मीरी गेट का ट्रैफिक देख सकते हो भाई कितना ट्रैफिक है, चलता फिरता रोड है भाई पूरा। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे मेट्रो की तरफ, जहाँ से भाई कश्मीरी गेट का बस स्टैंड भी आता है और बाहर निकलता है मेट्रो स्टेशन। तो भाई आप देख सकते हो ये रास्ता कश्मीरी गेट भी जाता है भाई बस स्टैंड पर, और बाहर निकलता है मेट्रो की तरफ। तो किसी भाई ने भाई मेट्रो की तरफ जाना हो कश्मीरी गेट से, तो मैं दिखाता हूँ आपको रास्ता कि कौन सा रास्ता पड़ेगा। यहाँ सारी बस वगैरह खड़ी हुई है भाई, रोडवेज वगैरह सारी बसें यहीं लगती है, दिल्ली की, गोवा की, मुंबई की, सब यहीं से चलती है भाई। तो भाई यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से चेकिंग है और यहाँ से बाहर जाते हैं। वहाँ आपको दिखाते हैं मेट्रो किस साइड पड़ेगा। ये रास्ता है बाहर जाने का, देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई। तो यहाँ पे टैक्सी वगैरह मिल जाएगी भाई आप सभी को, जैसे किसी ने दिल्ली मोहाली शिमला वगैरह जाना है तो यहाँ कैब मिल जाती है भाई। तो यहाँ से गाइस ये मेट्रो का रास्ता है जाने का, आप यहाँ से भी जा सकते हो और परली साइड से भी जा सकते हो भाई। तो हम तो यहाँ से जाते हैं, ऊपर मेट्रो भी जा रही है। तो ये कश्मीरी गेट का 7 नंबर गेट है, यहाँ पे चलते हैं भाई। अब यहाँ से भाई टिकट काउंटर है, तो टिकट कटवाते हैं हम न्यू दिल्ली की या फिर एयरपोर्ट की। तो भाई टिकट ले लिया हमने न्यू दिल्ली की, चलते हैं यहाँ से भाई। पहले जाएंगे न्यू दिल्ली, फिर वहाँ से चेंज करनी पड़ेगी भाई एयरपोर्ट के लिए। भाई चलते हैं येलो लाइन, यहाँ से पकड़ते हैं न्यू दिल्ली के लिए मेट्रो। स्लाइडर से चलते हैं भाई। तो गाइस यहाँ से हम पकड़ेंगे गुड़गांव की मेट्रो, तो न्यू दिल्ली जाएगी वो, तो न्यू दिल्ली से चेंज करेंगे। तो न्यू दिल्ली पहुँचते हैं फिर वहाँ से चेंज करते हैं। तो गाइस न्यू दिल्ली पहुँच चुके हैं हम, अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो आप देख सकते हो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, ये जाती है सीधा एयरपोर्ट की तरफ। चेक करो गाइस ऊपर लिखा हुआ है एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो, राइट तरफ है भाई। आप देख सकते हो भाई बिल्कुल खाली है एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट ज़्यादा बंदे जाते नहीं हैं, तो मेट्रो भी खाली मिलेगी हमको। तो यहाँ से टिकट काउंटर है, टिकट कटवाते हैं। तो गाइस रोहित लग चुका है टिकट कटवाने के लिए लाइन में, तो जल्दी से टिकट कटवाते हैं। बैग छोड़ नहीं रहा भाई, बैग कोई लेकर ना भाग जाए, तो इसलिए टांग रखा भाई ने बैग। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो गाइस हमने 3 टिकट ले ली है एयरपोर्ट के लिए, तो यहाँ से स्कैन करेंगे, वहाँ प्लेटफॉर्म है, चलते हैं एयरपोर्ट। तो गाइस मेट्रो आ चुकी है टर्मिनल 3 पे जाना हमने, ऊपर लिखा भी हुआ है जो जो स्टेट से जाती है 12 बजे जाती है। हाँ तो ये मेट्रो है भाई, ये सारे पैसेंजर खड़े हैं यहाँ पे, चलते हैं भाई। अब इस मेट्रो में 4 सीटें हैं सारी, तो ये अभी जाएगी भाई दो लोग कुआँ, दिखाता हूँ स्क्रीन पे लगी पड़े, बहुत बड़ी स्क्रीन लगी पड़ी है भाई। पहले जाएगी भाई शिवाजी स्टेडियम, उसके बाद दो लोग कुआँ, फिर एरो सिटी, और उसके बाद एयरपोर्ट जाएगी फिर
टर्मिनल 3 पे, उसके बाद लास्ट स्टॉप है द्वारका सेक्टर 21, तो हमें उतरना है एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे। तो भी गाइस 20-25 मिनट लगेंगे भाई एयरपोर्ट पहुंचने में। तो एयरपोर्ट ये भाई 5 मिनट रुकती है भाई। गाइस अभी लाइट वगैरह जल चुकी है, अब चालू हो गई है मेट्रो, अब चलेगी भाई, तो बस स्टार्ट होने वाली है। दिखाते हैं आपको इसकी नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड है भाई। चलो भाई गेट बंद हो चुका है, अब स्टार्ट हो चुकी है भाई, आपको दिखाएंगे। ये होगी स्टार्ट और आप देखो इसकी स्पीड कैसे स्पीड पकड़ेगी भाई। ये देखो स्पीड पकड़ेगी आपने, देखो भाई बाहर आप देख सकते हो भाई पूरी स्पीड। अंडरग्राउंड में आ चुके हैं, चलो आपको मिलते हैं आप सीधा एयरपोर्ट। तो भाई साहब देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पीड में चल रही है मेट्रो भाई, बैठे हुए मैसेज भी नहीं हो रहा बिल्कुल। अभी यहाँ से शहर आएगा, शहर दिखाएंगे आपको कितनी स्पीड में चल रही है। लो भाई अब देखो स्पीड कैसी है भाई, बताओ है ना भाई, जबरदस्त स्पीड है भाई इसकी। मेट्रो जा रही है वापसी, एयरपोर्ट से आ रही है वो, और हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, ये भी एयरपोर्ट से आ रही है वापसी। तो अभी हम आए हैं भाई धौला कुआं पहुँच चुके हैं हम, देखो भाई धौला कुआं। तो भाई सिर्फ लास्ट स्टेशन रह चुका है, फिर इसके बाद पहुँच जाएंगे हम एयरपोर्ट पे, बस 5 मिनट के अंदर पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट। हेलो भाई बस लास्ट स्टेशन रह गया था अपना, एयरपोर्ट आ चुका है, ये देखो यहाँ लिखा भी है एयरपोर्ट। हेलो गाइस अभी हम मेट्रो से बाहर निकल चुके हैं और टर्मिनल 3 पे जा रहे हैं, वहाँ से रास्ता है टर्मिनल 3 का, चलते हैं स्कैनिंग करते हैं टिकट। तो गाइस यहाँ से ऊपर जाना है टर्मिनल 2 और 3, स्टेयर से चलेंगे। चलो गाइस स्टेयर से चलते हैं आपका। फाइनली हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, तो ये पूरा टर्मिनल 3 है, देख सकते हो बाहर लिखा भी हुआ है इंदिरा गांधी टर्मिनल 3। देखो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम गाइस, तो ये सारी टैक्सी वगैरह लगी रहती है यहाँ पे, यहाँ से जाने का रास्ता है। तो ये देखो गाइस बिल्कुल फ्लैट स्टेयर्स है, ये हमको लगे जाएगी सीधा टर्मिनल 3 पे। गाइस फाइनली टर्मिनल 3 पे पहुंच चुके हैं हम, तो यहाँ से नानी को पहुंचाते हैं, ये है टर्मिनल 3 आप देख सकते हो, यहाँ से नानी को पहुंचाते हैं फ्लाइट के लिए। ठीक है आंटी जी चलते हैं, ठीक है जी ठीक है ठीक है भाई, नानी को अपने बिठा दिया, यहाँ से इस लाइन में चले जाओ, चलो 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 आगे। तो गाइस नानी जा रही है हमारी, टिकट वगैरह चेक होगा, देखो आर्मी वाले टिकट चेक करते हैं सब। गाइस हमने नानी जी को छोड़ दिया था भाई एयरपोर्ट पे, गेट नंबर 6 पे नानी जी को हमने छोड़ दिया था, और अभी हम है भाई टर्मिनल 2 दिखाता हूँ मैं आपको, वो सामने है भाई टर्मिनल 2, आप देख सकते हो वहाँ पे भाई प्लेन खड़े हुए हैं भाई इंडिगो के, वीडियो में दिखेगा नहीं भाई। और ये है भाई पूरा टर्मिनल 3, या भाई महंगी महंगी गाड़ियाँ चलती है, ये देखो मर्सिडीज बेंज आप देख सकते हो भाई, BMW टैक्सी नंबर है भाई इसका, और एक और दिखाता हूँ मर्सिडीज भी टैक्सी नंबर है। तो आप देख सकते हो भाई कितनी तगड़ी BMW है, और ये गुड़गांव ओबराय की है भाई, द ओबराय होटल है जिसकी टैक्सी है ये, छोड़ने भी आती है पिकअप करने भी आती है। तो अभी आधा एक घंटा यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे भी भाई, भूख भी लग चुकी थी भाई, सुबह 10 बजे का निकल पड़े हम घर से, तो यहाँ थोड़ा घूमते हैं रेस्ट करते हैं फिर निकलेंगे मेट्रो स्टेशन
वहाँ से सीधा करनाल के लिए पकड़ेंगे। देख सकते हो गाइस कितनी पब्लिक है भाई, रश लगा पड़ा, सारी टैक्सियाँ देखेंगे भाई आपको यहाँ पे। गाइस ये है पूरा टर्मिनल 2, इस साइड है टर्मिनल 3, वो लिखा भी पड़ा है भाई ऊपर। सो गाइस अभी आपको दिखाते हैं हम एयरप्लेन, बहुत सारे भाई यहाँ पे पार्किंग में खड़े हुए हैं भाई। एक प्लेन तो अभी टेक ऑफ करने वाला है, वो देखो वो चल रहा है भाई। और आप देख सकते हो तो पहले नंबर पे खड़ा हुआ है विस्तारा, 3 विस्तारा के, उसके बाद फेस जेट के, उसके बाद इंडिगो के। तो बहुत ही बड़े बड़े प्लेन है भाई, देख सकते हो आप। चलो गाइस अभी आपको एयरप्लेन वगैरह दिखा दिए थे, और अब चलते हैं दोबारा भाई मेट्रो की तरफ, वहाँ से पकड़ेंगे कश्मीरी गेट की मेट्रो। गाइस अभी एयरपोर्ट से आ चुके हैं, अब जा रहे हैं मेट्रो। तो ये मेट्रो स्टेशन है भाई, यहाँ से एंटर करते हैं मेट्रो के लिए। सेंसर लगे पड़े हैं, ऐसे टैप करते हैं आ जाता पानी, और पीछे करो हाथ बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, टैप करो ऑन हो जाता है। ये है भाई एयरपोर्ट के वाटर टैंक। चलो भाई चलते हैं कश्मीरी गेट। तो यहाँ से सीधा पकड़ते हैं कश्मीरी गेट की मेट्रो। रोहित लग चुका है भाई टिकट कटवाने के लिए, तो यहाँ से कश्मीरी गेट की टिकट ले रहा है भाई। तो यहाँ से डायरेक्ट कश्मीरी गेट की मिल जाएगी हमको, तो मिलते हैं आपको कश्मीरी गेट सीधा। चलो गाइस न्यू दिल्ली के लिए मेट्रो आ चुकी है, बैठते हैं यहाँ से। सो गाइस यहाँ से पहले जाएंगे हम न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के बाद चेंज करनी पड़ेगी कश्मीरी गेट के लिए, उतरते हैं पहले न्यू दिल्ली। सो गाइस अभी भूख लग गई थी भाई, तो पैटीज लिया हमने। जय माता दी, हर हर महादेव। दे दो भाई, तो भाई देख सकते हो भाई ऊपर क्या टांग रखे है भाई स्पाइडरमैन से। चलते हैं भाई कश्मीरी गेट की तरफ। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भाई न्यू दिल्ली, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे भाई कश्मीरी गेट की, कश्मीरी गेट की, हाँ भाई कश्मीरी गेट की आएगी यहाँ पे। कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो आने वाली है बस 5 मिनट में। लो जी गाइस आ चुकी है अपनी मेट्रो कश्मीरी गेट के लिए, हाँ कश्मीरी गेट जाएगी भाई। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर, और गाइस यहाँ से अभी बस स्टैंड चलते हैं महाराणा प्रताप, तो यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं भाई। तो गाइस अभी चलते हैं भाई बर्गर किंग में, बर्गर खाते हैं। ये रहा सामने बर्गर किंग, चलते हैं भाई, भूख लग रही थी भाई, चलते अंदर। ना ड्रिंक ड्रंक नहीं, बस ये कैश है, ऑनलाइन है, कैश है। तो अभी बर्गर ले रहे हैं भाई दो काउंटर पे। तो गाइस अपना ऑर्डर आने वाला है, अभी मंगाया भाई हमने 2 वेज बर्गर भाई, क्रिस्पी वेज बर्गर। और बस अभी आने वाला है अपना ऑर्डर, अभी बैठे हैं वेट कर रहे हैं। ऑर्डर के साथ ये साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये टेबल नंबर होता है भाई। देखो अभी टेबल नंबर लेके आएगा अपना, और यहाँ लिखा भी हुआ है 18 टेबल, ये देखो ये 18 टेबल नंबर लिखा हुआ है। तो अपना आ रहा है बस जस्ट 5 मिनट्स में। तो भाई आ लिया अपना वेज क्रिस्पी बर्गर। तो भाई बर्गर तो बहुत ही बढ़िया है, अंदर चीज़ स्लाइस डाल रखी है, और वेजिस है, टिक्की है, ठीक है भाई। 70-80 रुपये का एक बर्गर चला है। चलो एक लिमका भी पी लेते हैं, चलो भाई नमकीन के साथ लिमका भी पी लेते हैं, हाथ में हो जाएगा बर्गर। तो भाई अभी हम हैं भाई महाराणा प्रताप ISPT बस स्टैंड पे, तो यहाँ से पकड़ते हैं करनाल की बस। अभी हम पहुँच चुके हैं ISPT बस स्टैंड, चलते अंदर भाई बस पकड़ेंगे करनाल के लिए। चलो भाई गाइस अब निकलते हैं भाई दिल्ली से, अभी हम हैं कश्मीरी गेट। तो बस की टिकट हमने ले ली थी भाई, हमने ली है पंजाब रोडवेज, ये खड़ी है भाई पंजाब रोडवेज, सूट जाएगी भाई सीधा पुल के ऊपर से जाती है भाई, कोई स्टॉप नहीं है, सिर्फ सोनीपत और पानीपत रोकेगी भाई ये, 20 मिनट में निकलने वाली है। फिर चलते हैं भाई करनाल सीधा।